हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल द क्लासेस। ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके, नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द स्क्रीन, और जिस स्क्रीन पे आपको जो जो सेंटेंसेस आएंगे आप मेरे साथ उसको रिपीट करेंगे, फाइन। और साथ में उसके बाद आप उसको नोटबुक्स में नोट करेंगे, देन आप उन सेंटेंसेस को लर्न भी करेंगे, फाइन क्लास। नाउ मैं आपको शो कर रही हूँ, ये रहा, दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, मेरी मदद करो। मदद के लिए आप किसी को बोलते हैं ना, कि जब मम्मा बोलती है कि बेटा ये काम में मेरी हेल्प कर दो, तो मम्मा बोलती है ना हेल्प मी, तो वही हम सेंटेंस यहाँ रिपीट करेंगे, मेरी मदद करो, हेल्प मी, ठीक है। चाहे आप किसी से भी हेल्प लेंगे, तो आप अपनी मदद के लिए किसी को भी बोलेंगे, तो आप यही सेंटेंस अपनी मम्मी को या अपने से किसी बड़े को, तो आप इसी तरीके से बोलेंगे कि प्लीज हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी, फाइन। नाउ अब आपकी मम्मी आपको कहीं जाने के लिए कह रही है कि आप यहाँ बड़ी शैतानी कर रहे हैं, वहां जाओ, ठीक है। तो मम्मा यही बोलेंगी ना आपको कि वहां जाओ, तो वहां जाओ को आप इंग्लिश में बोलेंगे गो देयर। देयर का मीनिंग होता है वहां, गो मीन्स जाओ, ठीक है। तो आप अगर किसी को अपने भैया को बोल रहे हैं या अपने किसी छोटे भैया को बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसे कि वहां जाओ, मुझे परेशान मत करो, गो देयर, तो आप इसी तरीके से बोलेंगे ना इसको, गो देयर। ओके, नाउ अभी आपका सेंटेंस है यह है मत करो, कि अगर आपको शैतानी कर रहे हैं, तो आपको कोई मना कर रहा है, तो आपको क्या बोलेंगे ना, यही बोलेंगे ना हिंदी में कि यह मत करो। जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट डू इट, कि यह मत करो, ठीक है। ये तो आपको हो गया कि आपको कोई मना कर रहा है इसके लिए, तो आपने यहाँ पे मत लगा दिया और नीचे डोंट लगा दिया, जिसका मीनिंग हो गया ना करने के लिए, आपको कुछ चीज के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो यह मत करो, डोंट डू इट, ठीक है। आप यहां देखिए, अगर मैं बोलती हूं यहां पर यह मत करो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मत को हटाएंगे। तो मैंने अभी पीछे आपको बैक में बताया था कि आप मत को हटाएंगे, तो आपका इंग्लिश में यहाँ पे नीचे क्या सेंटेंस में मिसिंग हो जाएगा, डोंट हट जाएगा। इस तरीके से यह मत करो, तो आपका डोंट डू इट, और अगर ये डोंट हट गया, नहीं हट गया, इट मीन्स आपको कहा जा रहा है कि यह है कर लो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, यह है करो, डू इट, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल दो वर्ड्स का है बेटा, आपको इतना इजीली, और आप डेली के वर्ड्स में आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छी ट्रांजिशन कन्वर्शन आ जाएगी। जैसे आपका क्या वर्ड है, यह है करो, तो आप क्या करेंगे, डू इट, ठीक है। जैसे मैम भी बोलती है आपको, स्कूल में भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, बेटा यू शुड डू लाइक दिस, यू शुड डू इट, और यू डोंट हैव टू डू इट। तो इस तरीके से आप यहाँ करेंगे, यह करो तो डू इट, यह मत करो डोंट डू इट। समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, चिल्लाओ मत। अब आप सभी क्या करते हैं, मैम किसी काम से, वॉशरूम के लिए, किसी काम से भी ऑफिस जा रहे हैं, आप इतनी देर में क्या करने लग जाते हैं, इतना जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, तो वो आपको करना चाहिए क्लास में, नो, आपको अपना पेंडिंग वर्क फिनिश करना चाहिए और अपना लर्निंग वर्क करना चाहिए जिस टाइम पे मैम इज नॉट इन द क्लास। ओके, तो मैम आके गुस्सा होती है, क्या बोलती है मैम, चिल्लाओ मत, तो इट मीन्स मैम ने आपको गुस्सा किया कि आपने चिल्ला जो रहे हैं इस तरीके से, आपको नहीं चिल्लाना है, तो उसके लिए कहा जाएगा डोंट शाउट, ठीक है। डोंट का मतलब मत, और चिल्लाओ का मतलब होता है शाउट। और इसी तरीके से जो मैंने आपको पीछे समझाया था, अगर आप यहां पर भी क्या करेंगे, हां जी। नाउ अब आपका सेंटेंस है, पिंकी घर पर नहीं है, ठीक है। अब मान लो पिंकी की, आपकी पिंकी आपकी सिस्टर है, ठीक है, और आपकी सिस्टर की फ्रेंड कोई आई है, वो पूछ रही है कि पिंकी घर पर है क्या, तो आपने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया उसकी फ्रेंड को, कि पिंकी घर पर नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, पिंकी इज नॉट एट होम, कि पिंकी घर पर
नहीं है, ठीक है। तो आपके ये तो कॉमन सेंटेंसेस हैं। मान लो कोई मम्मी ने पूछ लिया कि पिंकी घर पर है क्या, या पिंकी कहाँ पर है, तो आप अपनी मम्मी को, भैया को, वॉट एवर किसी को भी आप बताना चाहते हैं कि पिंकी घर पे नहीं है, या आपके पापा घर नहीं है, तो आप पापा के लिए क्या बोलेंगे कि पापा घर पे नहीं है, तो आप बोलेंगे पापा इज नॉट एट होम। समझ रहे मेरी बात को? और यहाँ पिंकी के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं पिंकी इज नॉट एट होम, ठीक है। नाउ आप देखिए, आप बहुत जोर जोर से कोई काम कर रहे हैं, मामा गुस्सा हो गई है, मामा क्या बोलेगी आपको कि आप तोड़ोगे सब कुछ क्या? आराम से करो बेटा, यही बोलती है ना मामा, आराम से करो। तो आप आराम से करने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक इट इजी, कि कोई परेशानी की बात नहीं है, काम गलत ना हो तो आप आराम से करिए, ध्यान से कीजिए इस काम को। तो आप क्या बोलेंगे आराम से को? टेक इट इजी, ठीक है, कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसे आराम से कीजिए। आराम का मतलब क्या होता है? इजी, ठीक है। और से टेक इट फाइन। नाउ कार रोको, ठीक है। आप जैसे मान लो गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है, आपको कार छूट रही है आपकी, और आपको ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो आपके पापा जल्दी हॉर्न पे हॉर्न, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो आप भाग भाग के पापा के पीछे, गाड़ी के पीछे जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? कार को रोको, कार रोको, यही बोलेंगे ना। तो आप अपने पापा को इंस्ट्रक्शन अगर देते हैं तो आप क्या कहेंगे? स्टॉप द कार, क्या बोलेंगे आप? स्टॉप द कार। नाउ अब मान लो आपने कार से उतरना है, ठीक है, तो कार से उतरो। आपके पापा ने बोला कि भैया आपका स्कूल आ गया, अब कार से जल्दी जल्दी से उतरो, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे पापा आपको? गेट डाउन फ्रॉम द कार, या गेट डाउन फ्रॉम कार, कि बेटा जल्दी गाड़ी से उतरो, आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है और पापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। या अगर बस से उतरने के लिए बोल रहा है आपको ड्राइवर, तो क्या बोलेंगे ड्राइवर अंकल आपको? कि बस से उतरे, तो आप सेम सेंटेंस बोलेंगे गेट डाउन फ्रॉम बस, ठीक है। नाउ आप देखिए, कार में बैठ जाओ। अगर आपको लेट हो रहा है तो पापा जल्दी से बोलते हैं ना, बेटा जल्दी से गाड़ी में बैठो, कार में बैठो, जल्दी लेट हो रहा है पापा को भी ऑफिस के लिए, तो पापा आपको क्या बोलेंगे? कार में बैठ जाओ, ठीक है। तो इसी वर्ड, इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेट इन, गेट इन का बंदर अंदर, कार में, ठीक है, अंदर बैठने के लिए बोल रहे हैं, गेट इन इन द कार, कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, तो गेट इन द कार, ठीक है, गेट इन द कार, कि इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे। और मैं ये सेंटेंसेस आपको समझा रही हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेली में इनका यूज भी करना है, ठीक है। नाउ अब वहां तो बोला जा रहा था कि गाड़ी में बैठो। अब मान लो गाड़ी ना होके आपकी सिस्टर ने आपको स्कूल छोड़ते हुए जाना है, ठीक है, तो आपकी सिस्टर बोलेगी ना, क्या बोलेगी? कि जल्दी से स्कूटी पे बैठो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो आप दीदी क्या बोलेंगी आपको? सिट ऑन द स्कूटी, ठीक है। तो अगर मान लो हम बोलते हैं कि भाई गाड़ी में बैठो, तो सिट ऑन द किस पे? बाइक पे। यस, आपका ऑन क्यों लिखा? गाड़ी तो, गाड़ी के अंदर बैठना होता है तो इन लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लेकिन स्कूटी के अंदर नहीं बैठते हैं ना, आप स्कूटी के ऊपर बैठते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सिट ऑन द स्कूटी, फाइन। अब यहाँ देखिए, थोड़ी देर में मुझसे मिलना, ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा अलग है बाकियों से, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, बट देखिए आप जरा, ये सेंटेंस देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन उसका मीनिंग कितना छोटा सा इंग्लिश के कन्वर्सेशन इसकी। मीट मी इन अ वाइल, कि जल्दी से मुझे थोड़ी देर में मिलना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में? मीट मी इन अ वाइल, ओके। नाउ अब आपके पास सेंटेंस क्या है? आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, आप साथ में पढ़ेंगे तो ही सेंटेंस को समझेंगे, ठीक है। वह इतना पतला है, ही इज सो स्किनी। स्किनी का मतलब ये है, जो इंसान पतला होगा उसकी स्किन ही मुश्किल से नजर आएगी, ठीक है ना, हड्डियां वगैरह तो उसकी होंगी नहीं, तो वो स्किन ही स्किन नजर आएगी, वो पतली पतली सी उसकी, तो उसे बोला जाता है स्किनी, पतले को, ठीक है। तो आपको मैं दोबारे बताती हूँ, तो आप इसको सेंटेंस को बोलेंगे कि वह इतना पतला है, ही इज सो स्किनी, ठीक है। एंड नाउ वह बहुत मोटी है, आप इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे?
ही आपके बाद, कि मान लो आपकी मम्मा ने बोला कि जल्दी चलो बेटा, तो आपको वो क्या कह रहे हैं कि आपके बाद चलूंगी मैं बेटा, पहले आप आगे चलो, आपके बाद मम्मा आएगी, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, आपके बाद, यानी बाद का मीनिंग होता है आफ्टर, आपके मीनिंग यू, तो आपके बाद को बोलेंगे आफ्टर यू, बेटा यू गो आफ्टर यू आई विल बी कमिंग देयर, ठीक है? तो ये सेंटेंस हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। एंड नेक्स्ट इज, दिस इज योर लास्ट सेंटेंस नाउ, फोन उठाओ। इट मीन्स आपका फोन पापा का बहुत देर से उठा बेल हो रही है, बट नो वन इज पिकिंग अप द फोन। तो आपके पापा क्या बोलेंगे, अरे कोई फोन तो उठा लो मेरा, ठीक है? तो पापा क्या बोलते हैं, फोन उठाओ, तो पिक अप द फोन, ठीक है, कि फोन को उठा लो, मेरा फोन इतनी देर से बेल हो रही है रिंग, बट नोबडी इज पिकिंग इट। तो पापा ने बोला कि पिक अप द फोन, ठीक है? बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बेटा, और आप जितना इसको ठीक से लर्न करेंगे उतना प्रॉपर ये आपको लर्न होंगे, और डेली में आप जितना इसको यूज करेंगे आपकी ट्रांसलेशनिंग बहुत बेटर और बेस्ट हो जाएगी, ठीक है? आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेली में अपने मम्मी पापा के साथ, अपने छोटे बड़े भाई के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी आप इनको यूज करेंगे, और आप इन सभी सेंटेंसेस को क्या करेंगे, फर्स्ट जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, आप इन पे सीरियल नंबर डालेंगे, ठीक है? और इंग्लिश सेंटेंसेस टॉपिक डालेंगे आप, और नंबर 1 आप लिखेंगे पहले हिंदी का, और फिर उसके नीचे लाइन में आप इंग्लिश का सेंटेंस लिखेंगे जैसे मैम ने आपको स्लाइड्स शो की हैं, फाइन? और आपका वर्क शुड बी वेरी क्लियर, ओके क्लास? और आपको साथ में ये लर्न भी करना है, कीप इट इन द माइंड, ओके बेटा?